तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नारुतो उज़ुमाकी के लाइफ के बारे में कि कैसे उसने शिनोबी वर्ल्ड में पीस एस्टैब्लिश किया जिसका सभी शिनोबी सपना देखते थे पर कभी हासिल नहीं कर पाए। नारुतो का बचपन अकेलेपन और अकेलेपन में बीता। नारुतो अपने जन्म के दिन से ही जिंजूरिकी बन जाता है जिसकी वजह से सभी गाँव के लोग नारुतो को पसंद नहीं करते हैं और वो अपने बच्चों को भी नारुतो से दूर रहने को कहते हैं। लेकिन फिर भी नारुतो के दो दोस्त बनते हैं शिकामारू और चोजी। नारुतो गाँव वालों की नजरों में आने के लिए हमेशा मस्ती करता रहता है जैसे कि गांव वालों को परेशान करना, होकागेस के स्टोन क्रेट फेसेस पर पेंटिंग करना। नारुतो दूसरों की हेल्प भी करता था जैसे हिनाता को परेशान कर रहे बच्चों से बचाना, पर अफसोस ऐसे वक्त पर उसे कोई देखने वाला नहीं होता। हिनाता इसके बाद नारुतो को काफी एडमायर करने लगती है पर नारुतो साकुरा को पसंद करता है। जब नारुतो को पता चलता है कि सास्के भी उसकी तरह अकेला है तब नारुतो को लगता है कि सास्के और वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन साकुरा सास्के को पसंद करती है जिसकी वजह से नारुतो सास्के को अपना राइवल बना लेता है। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लिए सभी स्टूडेंट्स को शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करके दिखाना होता है पर नारुतो अपने शैडो क्लोन अच्छे से नहीं बना पाता है जिसकी वजह से नारुतो ग्रेजुएट नहीं होता है। नारुतो को मैनिपुलेट करते हुए मिजुकी जो कि नारुतो के टीचर इरुका सेंसेई का दोस्त होता है नारुतो से सीक्रेट स्क्रोल चोरी करवा लेता है ताकि वो उस स्क्रोल को नारुतो से छीन सके और उस पे कोई शक भी ना करे। थर्ड होकागे सभी जोनिन को नारुतो को ढूंढ के उसके पास लाने के लिए कहता है। नारुतो का पीछा करते हुए इरुका नारुतो से स्क्रोल मांगता है पर नारुतो उसे मना कर देता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये इरुका सेंसेई नहीं है। मिजुकी नारुतो को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता है और अपने असली रूप में आ जाता है। मिजुकी नारुतो के तरफ एक बड़ा शुरुकेन फेंकता है तब वहाँ रियल इरुका नारुतो के आगे आकर नारुतो को शुरुकेन से बचा लेते हैं और नारुतो को भागने को कहते हैं। नारुतो भाग के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मिजुकी इरुका से कहता है कि तुम उस शैतान नाइन टेल फॉक्स नारुतो को क्यों बचा रहे हो, जिसके जवाब में इरुका कहता है कि नारुतो शैतान है पर वो बहुत मेहनती है, वो खुद को काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है और वो इस हिडन लीफ विलेज का एक सदस्य है। अपने टीचर के मुंह से अपने लिए कुछ तारीफ के शब्द सुनकर नारुतो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और अगले ही पल अपने टीचर को बचाने के लिए नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन बना लेता है और मिजुकी नारुतो के इतने सारे क्लोन देखकर डर जाता है और हार मान लेता है। नारुतो सीक्रेट स्क्रोल को वापस थर्ड होकागे को दे देता है। अगले दिन रेमन शॉप में इरुका सेंसेई नारुतो को एक छोटी सी रेमन ट्रीट देता है और नारुतो को हिडन लीफ हेडबैंड देते हुए ग्रेजुएट कर देता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को थ्री मेन टीम्स में बांट दिया जाता है। नारुतो साकुरा और सास्के टीम 7 में होते हैं और काकाशी हटाके उनके टीम के कैप्टन होते हैं जो इस बात के लिए फेमस है कि उसने आज तक किसी भी टीम को अपने अप्रूवल टेस्ट में पास नहीं किया है। काकाशी नारुतो साकुरा और सास्के से मिलकर उन तीनों से इंट्रोडक्शन लेते हैं और अगले दिन उनका टेस्ट। तो टेस्ट ये होता है कि उन तीनों को काकाशी के पास से दो बेल्स में से एक को हासिल करना होता है। टाइम लिमिट कुछ भी नहीं होती है, उन्हें ये करना है चाहे जैसे भी वो करे। नारुतो तुरंत ही बेल छीनने में लग जाता है और उसे काकाशी के हाथों हिडन लीफ के सबसे ताकतवर जुत्सु का सामना करना पड़ता है जिस जुत्सु का नाम होता है थाउजेंड ईयर्स ऑफ डेथ। इस जुत्सु को देखकर ही पता चलता है कि ये कितना दर्दनाक होगा। इस टेस्ट में कुछ क्राइटेरिया होती है जैसे कि सभी को लंच टेस्ट के बाद करनी है, अगर कोई इस बीच लंच खाने की कोशिश करता है तो उसे बांध दिया जाएगा और अगर उसके साथ कोई लंच शेयर करता है तो वो पूरी टीम को ही फेल कर देंगे। नारुतो लंच खाने की कोशिश में पकड़ा जाता है। काकाशी सास्के और साकुरा को वार्न करते हुए वहां से चला जाता है और झाड़ियों में छुपकर वो तीनों पर नजर रखता है। साकुरा और सास्के नारुतो को देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते कि वो उनके साथ खाना शेयर ना करे पर वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं और नारुतो को खाना खिला देते हैं बिना टेस्ट को पास करने की चिंता किए बिना। काकाशी तुरंत वहां आ जाता है और उन्हें थोड़ा डराते हुए ये बताता है कि वो लोग टेस्ट पास कर चुके हैं क्योंकि इससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स अपने दोस्त के साथ खाना शेयर नहीं करता है ताकि वो टेस्ट पास कर सके, पर ये टेस्ट उनके फ्रेंडशिप को चेक करने के लिए ही है क्योंकि काकाशी के नजरों में वो बहुत ही फालतू लोग होते हैं जो अपने दोस्त को अहमियत नहीं देते। इसी के साथ टीम 7 अपने मिशन पर लैंड ऑफ वेव्स जाते हैं तिजुना जो कि एक कारपेंटर है उसे उसके गाँव छोड़ने। विलेज से बाहर निकलते ही डेमन ब्रदर्स तिजुना पर हमला करते हैं। काकाशी बहुत ही आसानी से उन दोनों को हरा देता है। फिर वो तिजुना से पूछता है कि वो लोग
टिजुना को मारने के लिए क्यों आए। तब टिजुना उन्हें माफी मांगते हुए बताता है कि उनका गांव बहुत ही गरीब है और उनके पास ए रैंक मिशन के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए उसे झूठ कहना पड़ा कि ये एक सी रैंक मिशन है। काकाशी अपने विलेज के हाल को देखते हुए कि वहां ज्यादा शिनोबी अभी नहीं है, तो वो इस मिशन को कंटिन्यू करने के लिए मान जाता है। टिजुना काकाशी को ये भी बताता है कि वो लोग एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लैंड ऑफ वेव्स के एक अमीर बिजनेसमैन के कुछ गुंडे उन्हें ब्रिज कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं। लैंड ऑफ वेव्स पहुंचते ही टीम सेवन की फाइट होती है जाबुजा मोमोची से। जाबुजा काकाशी को वाटर प्रिजन से पकड़ लेता है, पर नारुतो अपने शैडो क्लोन को ट्रांसफॉर्म करके एक शुरिकन में बदल देता है और सास्के उस शुरिकन को जाबुजा की तरफ फेंकता है। जाबुजा उछल कर उस शुरिकन से बच जाता है, पर काकाशी के पास पहुंचते ही वो शुरिकन वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और नारुतो काकाशी को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद काकाशी जाबुजा को हरा देता है। पर तभी वहाँ हिडन मिस विलेज का एक हंटर निंजा आता है, जिसकी डेजिग्नेशन ऑनबू ब्लैक्स की तरह होता है। वो काकाशी को जाबुजा को उसके हवाले करने को कहता है, क्योंकि जाबुजा उनके विलेज का एक रोग शिनोबी है। काकाशी उसकी बात मान लेता है और वो जाबुजा को उसे ले जाने देता है। उन लोगों के जाने के बाद ही काकाशी को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि एक रोग शिनोबी को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। काकाशी अपनी टीम को बताता है कि जाबुजा उन्हें रोकने के लिए फिर से वापस आएगा, उन्हें ट्रेनिंग करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा शारिंगन की यूज करने की वजह से काकाशी वीक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उसे टिजुना के घर ले जाया जाता है। अपने खराब हालत में भी काकाशी टीम सेवन साकुरा सास्के और नारुतो को चक्रा कंट्रोल की ट्रेनिंग देता है। ब्रिज कंप्लीट होने के आखिरी दिन में जाबुजा और हाकू दोनों उन्हें रोकने के लिए वहां आते हैं। नारुतो उस वक्त कारपेंटर टिजुना के घर पर होता है, जहां कुछ गुंडे टिजुना के पोते और बेटी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। नारुतो उन्हें बचाने के बाद ब्रिज पर पहुंचता है, तब वो देखता है कि काकाशी जाबुजा से फाइट कर रहा है और सास्के हाकू से। नारुतो सास्के की हेल्प करने फाइट में शामिल हो जाता है। हाकू नारुतो पर ढेर सारे अटैक्स करता है, पर सास्के नारुतो के आगे आकर नारुतो को बचा लेता है। सास्के को लगता है कि अब वो मरने वाला है और वो नारुतो से कहता है कि वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था और ये उसका ड्रीम था जो वो पूरा नहीं कर पाया, पर तुम अपने ड्रीम्स को पूरा करना। नारुतो गुस्से में आकर सबकॉन्शियसली अपने अंदर नाइन टेल्स फॉक्स की पावर को पहली बार यूज करता है और हाकू को हरा देता है। नारुतो हाकू से पूछता है कि ये जानते हुए भी जाबुजा गलत है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो, जिसके जवाब में हाकू नारुतो से कहता है कि जाबुजा के लिए लड़ना और उसकी जान बचाना उसे जिंदा होने का एहसास दिलाता है। काकाशी अपने चिदोरी से जाबुजा को मारने के लिए हमला करता है, पर हाकू जाबुजा के आगे आकर जाबुजा को बचा लेता है। हाकू के इस एक्शन को देखकर नारुतो शॉक हो जाता है। वो जाबुजा से पूछता है कि तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों नहीं है, तुम्हें हाकू के मरने का दुख है भी या नहीं। जाबुजा कहता है कि हाकू बस उसके लिए एक हथियार की तरह है। नारुतो गुस्से में जाबुजा को हाकू के बारे में बताता है कि तुमने कभी भी हाकू की फीलिंग्स को नहीं समझा, तुमने कभी उसे रिस्पेक्ट नहीं दी और ना उसके वैल्यू को समझा। उसने जो तुम्हारे लिए किया वो अनकंडीशनल लव था, पर उसकी मौत को भी तुम इज्जत नहीं कर रहे। नारुतो की इन बातों को सुनकर जाबुजा के आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जाबुजा अपने दांतों में कुनाई नाई फंसाकर उस अमीर बिजनेसमैन को मार देता है। काकाशी अपने ढेर सारे शैडो क्लोन बनाकर बाकी सभी गुंडों को डराकर वहां से भगा देता है, जिसके बाद जाबुजा काकाशी और नारुतो से माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे हाकू के बगल में ही दफनाया जाए। नारुतो और उसकी टीम से खुश होकर उस ब्रिज का नाम नारुतो ब्रिज रखा जाता है। चुनिन एग्जाम के सेकेंड राउंड में नारुतो की फाइट ओरोचिमारू से होती है, जो कि उसे पता नहीं होता कि वो ओरोचिमारू है। ओरोचिमारू नारुतो के अंदर नाइन टेल्स के चक्रा को पहचान लेता है और ओरोचिमारू नारुतो के 8 टाइग्राम सील के ऊपर 5 एलिमेंट सील लगा देता है, ताकि नारुतो उसके चक्रा को और यूज ना कर सके, जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है। ओरोचिमारू सास्के को एक कर्स मार्क दे देता है, जिसके कुछ देर बाद सास्के भी बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद नारुतो सास्के और साकुरा फिनिश लाइन की तरफ भागते हुए टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। टेस्ट के तीसरे स्टेज में सभी को 1-on-1 फाइट करनी होती है। नारुतो की फाइट होती है कीबा के साथ, जिसमें नारुतो सभी को अमेज करते हुए कीबा से जीत जाता है और फाइनल्स की तैयारी में लग जाता है, जहां उसकी फाइट होती है नेजी से। चुनिन एग्जाम के थर्ड राउंड में नारुतो हिनाता और नेजी के फाइट को देखते हुए हिनाता से प्रॉमिस करता है कि वो नेजी से फाइट में जीतेगा। फाइनल्स के लिए ट्रेनिंग करते हुए नारुतो जिराया से मिलता है। जिराया से इम्प्रेस होकर नारुतो जिराया को ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिराया नारुतो से उसके सील को दिखाने कहता है जिराया, जिसके बाद जिराया ओरोचिमारू के लगाए हुए सील को समझ जाता है और उसे अनलॉक कर देता है, जिससे नारुतो बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जिराया नारुतो को बताता है कि उसके अंदर 2 तरह के चक्रा है और ज्यादा पावरफुल जुत्सु इस्तेमाल करने के लिए उसे अपने दूसरे चक्रा का यूज करना होगा। जिराया नारुतो को समनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसके बाद वो टोड समन करता है। शुरुआत में नारुतो टैडपोल्स को समन करता है, इसके लिए
किराया नारुतो को एक खाई से धकेल देते हैं ताकि वो अपने जान बचाने के लिए अपने दूसरे चक्रा का यूज कर सके। नारुतो अपने अंदर नाइन टेल्स के पास पहुंचता है जहां वो नाइन टेल्स को बोलता है कि मैं तुम्हें अपने शरीर के अंदर रख रहा हूं, तो एज अ रेंट तुम्हें मुझे अपना चक्रा देना होगा। नाइन टेल उसकी बात मानकर नारुतो को चक्रा दे देता है जिससे नारुतो चीफ टोड गामा बुंतो को समन करता है और खाई से ऊपर आ जाता है। गामा बुंतो को यकीन नहीं होता है कि नारुतो जैसे छोटे बच्चे ने उसे समन किया है। ये प्रूफ करने के लिए गामा बुंतो नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें मेरे टॉप से नीचे गिराने की कोशिश करूंगा पर तुम्हें नीचे नहीं गिरना है। गामा बुंतो नारुतो को नीचे गिराने के लिए उछलने लगता है। नारुतो आखिर तक नीचे नहीं गिरता है पर वो थक कर बेहोश हो जाता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। गामा बुंतो नारुतो को नीचे गिरने से बचा लेता है और वो नारुतो से काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। नारुतो चुनिन एग्जाम्स के फाइनल में जाते हुए रास्ते में वो हिनाटा से मिलता है। नारुतो हिनाटा की तारीफ करता है और हिनाटा को बताता है कि नारुतो को हिनाटा जैसे लोग पसंद है। ये सुन के हिनाटा शर्म से लाल हो जाती है। नारुतो नेजी से फाइट में नाइन टेल्स के चक्रा और अपने दिमाग का यूज करके जीत जाता है और सभी लोगों को शॉक कर देता है। सास्के और गारा के फाइट के दौरान हिडन सैंड विलेज के निंजा से स्टेडियम में हमला कर देते हैं। गारा फाइट छोड़कर भागने लगता है। सास्के गारा के पीछे भागता है। काकाशी अपने निंजा हाउंड पाकुन को समन करता है और वो सास्के को ट्रैक करने कहता है जिसके साथ नारुतो और साकुरा जाते हैं। गारा धीरे धीरे वन टेल्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सास्के गारा से फाइट करते हुए काफी वीक हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है लेकिन फिर भी वो गारा पर हमला करने की कोशिश करता है पर नारुतो वहां वक्त पर आकर सास्के को बचा लेता है। नारुतो गामा बुंतो को समन करता है। गामा बुंतो नारुतो को शिकाकू के बारे में बताता है। गारा अपने बॉडी का कंट्रोल शिकाकू को दे देता है और नींद में चला जाता है। गामा बुंतो नारुतो से कहता है कि शिकाकू को रोकने के लिए गारा को नींद से उठाना होगा और ऐसा करने के लिए नारुतो को गामा बुंतो को किसी ऐसे चीज में ट्रांसफॉर्म करना होगा जिसके पास नुकीले पंजे हो जिससे वो शिकाकू को पकड़ सके और नारुतो गारा को नींद से उठा सके। नारुतो गामा बुंतो को नाइन टेल्स फॉक्स में बदल देता है जिसे देख कर सास्के चौंक जाता है। नारुतो गारा को पंच मारने जाता है पर गारा का प्रोटेक्टिव सैंड नारुतो के पंच को रोक लेता है लेकिन फिर भी नारुतो रुकता नहीं है। नारुतो अपने फोरहेड से गारा के फोरहेड पर जोर से मारता है जिससे गारा उठ जाता है और शिकाकू कमजोर होने लगता है। नारुतो गारा को हरा देता है और गारा को सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम जिस अकेलेपन से गुजर रहे हो मैं भी उससे गुजर चुका हूँ। सास्के नारुतो को हॉस्पिटल ले जाता है। थर्ड होकागे के डेथ के बाद जिराया नारुतो को अपने साथ ले जाता है जहां वो उसे रसेंगन जुत्सु सिखाता है जिसे फोर्थ होकागे ने इन्वेंट किया है। जिराया अपने एक हाथ से रसेंगन बना लेता है पर नारुतो को काफी ट्रेनिंग और दिमाग लगाने के बाद वो अपने शैडो क्लोन के हेल्प से रसेंगन बनाने लगता है। जिराया नारुतो को अपने साथ विलेज से बाहर ले जाता है जहां वो लोग लेडी सुनाडे से मिलते हैं। जिराया सुनाडे को फिफ्थ होकागे बनने को कहता है। सुनाडे होकागे पद का मजाक उड़ाती है और जिराया को मना कर देती है। नारुतो को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद नारुतो सुनाडे को गुस्से में फाइट के लिए चैलेंज करता है। फाइट के दौरान जब नारुतो रसेंगन यूज करता है तब सुनाडे उससे काफी इंप्रेस हो जाती है पर सुनाडे उसे एक ही उंगली से हरा देती है। नारुतो उसे कहता है कि अगर मुझे 3 दिन मिले तो मैं रसेंगन जुत्सु को परफेक्ट बनाकर उसे हरा दूंगा। सुनाडे उसे 3 दिन का वक्त देती है। अगर नारुतो रसेंगन को मास्टर कर लेता है तो वो नारुतो को होकागे बनने के लिए वर्दी मानेगी और उसे एक्नॉलेज करते हुए अपना नेकलेस देगी जो उसे फर्स्ट होकागे से मिला है। 3 दिन के बाद सुनाडे की लड़ाई काबुतो और ओरोचिमारू से होती है। काबुतो सुनाडे को काफी जख्मी कर देता है पर नारुतो सुनाडे को बचाते हुए अपने परफेक्ट रसेंगन से काबुतो पर हमला करता है। काबुतो रसेंगन से चोट लगने से पहले अपने आप को बचा लेता है और नारुतो के सभी चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है जिससे नारुतो बच नहीं पाता है। नारुतो के अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स को लगता है कि अब ये उसका आखिरी वक्त है। इस दौरान सुनाडे अपने ब्याकुगो से खुद को ठीक कर लेती है और अपने नेकलेस की मदद से नारुतो को बचा लेती है और नारुतो के परफेक्ट रसेंगन को एक्नॉलेज करते हुए वो नारुतो का अपना नेकलेस पहना देती है। कोनोहा के हॉस्पिटल के छत पर नारुतो और सास्के दोनों गुस्से में आकर एक दूसरे से फाइट करते हैं। नारुतो अपने रसेंगन और सास्के अपने चिदोरी से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर वहां काकाशी आकर उन दोनों को रोक लेते हैं और उन दोनों को वाटर टैंक्स की तरफ फेंक देते हैं। नारुतो के अटैक के इंपैक्ट को देखते हुए सास्के के अंदर और गुस्सा बढ़ जाता है। खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और अपने भाई से बदला लेने के लिए सास्के ओरोचिमारू के पास चला जाता है। नारुतो साकुरा से वादा करता है कि वो सास्के को वापस विलेज ले आएगा। नारुतो और उसकी टीम सास्के को वापस लाने के लिए मिशन पर जाती है। वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के की फाइट होती है। नारुतो सास्के से विलेज वापस आने के लिए कहता है पर सास्के ओरोचिमारू के कर्सील्स की पावर को अपनाने के बाद नारुतो की एक नहीं सुनता है। काकाशी अपने मिशन को कंप्लीट करके विलेज पहुंचता है। काकाशी को इस मिशन के बारे में पता चलता है और वो अपने निंजा हाउंड्स को समन करता है और उन्हें कहता है कि वो नारुतो और सास्के को ढूंढे। वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के की फाइट धीरे धीरे और भी इंटेंस होने लगती है।
होती है। सास्के नारुतो को खाई से नीचे गिराता है जिससे नारुतो का गला टूट जाता है और उसकी लगभग मौत होने वाली होती है। पर तभी नाइन टेल्स अपनी पावर से नारुतो को मरने से बचा लेता है पर नारुतो तब भी अनकॉन्शियस रहता है, जिसके बाद उन दोनों की फाइट और इंटेंस हो जाती है। सास्के नारुतो से लड़ने के लिए अपने हेडबैंड को पहन लेता है ताकि वो नारुतो को एज अ इक्वल ट्रीट कर सके, और वो नारुतो से ये भी कहता है कि वो तब भी उसके हेडबैंड पर एक खरोच भी नहीं कर सकता। नारुतो अपने फुल कैपेसिटी में रसिंगन बनाता है, सास्के भी अपने कर्स सील के पूरे पावर से चिदोरी बनाता है और दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक दूसरे की तरफ उछलते हैं। चिदोरी और रसिंगन के टकराने से नारुतो और सास्के एक ब्लैक स्फेयर के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसका इंपैक्ट सभी को दूर दूर तक पता चलता है। नारुतो अपने रसिंगन को डीएक्टिवेट करते हुए सास्के के हेडबैंड पर स्क्रैच करता है और इस फाइट में सास्के नारुतो को हरा देता है। सास्के के जाने से पहले उसका हेडबैंड नारुतो के पास गिर जाता है। काकाशी नारुतो को लेकर वापस लीफ विलेज आता है। हॉस्पिटल के अंदर नारुतो को होश आता है। जिराया नारुतो से कहता है कि तुम बुद्धू हो जो सास्के को वापस लाने के बारे में सोच रहा है, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं हमेशा बुद्धू रहना पसंद करूंगा, पर मैं सास्के को वापस जरूर लाऊंगा। बहुत सारे छोटे छोटे मिशंस करने के बाद नारुतो जिराया के साथ 2.5 साल के लिए ट्रेनिंग करने चला जाता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग अकात्सुकी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए 3 साल बाद अपना काम शुरू कर देगी, जिसमें वो सभी जिंजूरिकी को पकड़ेंगे। और नारुतो खुद को बचा पाए जिराया उसे अपने साथ ले जाता है, जहां जिराया नारुतो को अपने अंदर 9 टेल्स की पावर्स को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। नारुतो 2 टेल्स तक फॉक्स की पावर्स को कंट्रोल कर पाता है, पर जैसे ही इससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो जिराया पर एक जानलेवा हमला कर देता है। जिराया को बहुत ही गहरी चोट लगती है पर वो किसी तरह नारुतो पर सील लगाकर 9 टेल्ड फॉक्स को नारुतो पर हावी होने से रोक लेता है। 2.5 साल बाद विलेज वापस आने के बाद साकुरा और नारुतो फिर से काकाशी के साथ एक फाइट करते हैं ताकि काकाशी उनके स्किल्स को देख सके। काकाशी काफी इम्प्रेस हो जाता है साकुरा के स्ट्रेंथ को और नारुतो के स्ट्रेटजीज को देखते हुए, जिसके बाद टीम 7 को हिडन सैंड विलेज के साथ मिशन असाइन किया जाता है गारा को बचाने के लिए, जिसे अकात्सुकी ने किडनैप कर लिया है। वक्त पे गारा को ना बचा पाने के गुस्से में 9 टेल्स नारुतो पर फिर से हावी होने लगता है। नारुतो 3 टेल्स में बदल जाता है। काकाशी नारुतो पर सील लगाकर जो उसे जिराया देते हैं वो 9 टेल्स को हावी होने से रोक लेता है। नारुतो की बातों को सुनकर ग्रैनी चियो गारा को जिंदा करने के लिए अपने जुत्सु से खुद की लाइफ के एक्सचेंज में गारा को जिंदा कर देती है। इस हादसे के बाद गारा और नारुतो की दोस्ती और गहरी हो जाती है। सासोरी मरने से पहले साकुरा को अपने सीक्रेट एजेंट के बारे में बताता है जो ओरोचिमारु के साथ काम करता है, जिससे वो 10 दिन बाद टेंची ब्रिज पर मिलने वाला था। नारुतो के इस नए मिशन के लिए सुनाडे टीम 7 को नया टीम मेंबर साय और नया टीम कैप्टन यामाटो के साथ भेजती है। काबुटो से ट्रिक होने के बाद नारुतो अपने 4 टेल्स फॉर्म में ओरोचिमारु से सास्के के बारे में पूछता है। ओरोचिमारु नारुतो को गुस्सा दिलाता है ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। 9 टेल्स भी नारुतो को अपनी बातों में उलझा कर नारुतो को 4 टेल्स में बदल देता है, जिसके बाद नारुतो बेकाबू होकर ओरोचिमारु पर हमला करने लगता है। साकुरा नारुतो को रोकने की कोशिश करती है पर नारुतो साकुरा को भी चोट पहुंचा देता है। नारुतो और ओरोचिमारु की फाइट से काफी तबाही हो जाती है चारों तरफ, पर यामातो नारुतो के नेकलेस की वजह से 9 टेल्स के पावर्स को सप्रेस कर देता है। नारुतो के होश में आने के बाद वो साकुरा से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, पर साकुरा उसे कुछ नहीं बताती है। पर यामातो नारुतो को बताता है कि साकुरा को चोट नारुतो के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से लगी है। यामातो नारुतो से ये भी कहता है कि उसे 9 टेल्स की पावर्स की जगह खुद के पावर्स पर लड़ना सीखना होगा, जिसके बाद नारुतो ये डिसाइड करता है कि अब वो 9 टेल्स के पावर को यूज नहीं करेगा, जिसके लिए वो काकाशी और यामातो के साथ ट्रेनिंग करता है और अपना एक स्पेशल जुत्सु क्रिएट करता है, जिसे वो रसेन शुरिकन नाम देता है। काकाशी ये बात नोटिस करता है कि इस जुत्सु को परफॉर्म करते हुए नारुतो को भी चोट लग सकती है। काकाशी नारुतो को इस जुत्सु को यूज करने से मना कर देता है। विलेज में सभी को न्यूज मिलती है कि सास्के ने ओरोचिमारु को मार दिया है। काकाशी को लगता है ये अच्छा मौका है सास्के से मिलकर उससे बात करने के लिए। काकाशी टीम 7 और 8 के साथ सास्के को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इताची सास्के से लड़ने से पहले अपना एक शैडो क्लोन नारुतो के पास भेजता है। इताची नारुतो से कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करना चाहता है, जिसके बाद इताची नारुतो से पूछता है कि अगर सास्के हिडन लीफ पर हमला करता है तो वो क्या करेगा, जिसके जवाब में नारुतो कहता है कि वो सास्के को बिना मारे विलेज को बचाएगा। नारुतो के जवाब से इम्प्रेस होकर इताची नारुतो के
साथ अपनी पावर्स शेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। जिराया अपने पेन इन्वेस्टिगेशन के दौरान गेरोटोरा को माउंट म्योबोकू भेज देता है, जिसके पास नारुतो की सील की चाबी होती है, और ऑर्डर देता है कि वो नारुतो को सब कुछ बताते हुए उसे ये चाबी दे दे। पेन के हाथ तो जिराया की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले अपनी आखिरी बचे हुए चक्रा से जिराया लॉर्ड फुकासाकू के पीठ पे एक मैसेज इनक्रिप्ट करते हैं, जिसमें वो पेन के सीक्रेट के बारे में बताता है। मरने के बाद जिराया का सोल एक आखिरी बार नारुतो को देखने जाता है। नारुतो को इस बात का एहसास होता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता है। मिशन से वापस आने के बाद लॉर्ड फुकासाकू होकागे ऑफिस में नारुतो को बुलाते हैं और नारुतो को जिराया के डेथ के बारे में बताते हैं। लॉर्ड फुकासाकू नारुतो से माउंट म्योबोकू जाने को कहते हैं ताकि वो नारुतो को सेज मोड सिखा सके। नारुतो गुस्से में वहां से चला जाता है, पर उसे उस रात नींद नहीं आती है और आधी रात के बीच वो सड़क पर इरुका सेंसे के सामने जिराया के चले जाने के दुख को बताते हुए बहुत रोता है। अगले दिन वो लॉर्ड फुकासाकू के साथ माउंट म्योबोकू जाता है, जहां लॉर्ड एल्डर नारुतो को जिराया के बारे में बताता है और नारुतो को उसके सील की चाबी दे देता है। नारुतो लॉर्ड फुकासाकू के साथ सेज जुत्सु की ट्रेनिंग में लग जाता है। कुछ दिनों बाद नारुतो को खबर मिलती है कि पेन ने हिडन लीफ पर अटैक कर दिया है। लॉर्ड फुकासाकू नारुतो से कहते हैं कि वो लड़ने की तैयारी कर ले, क्योंकि उनकी माँ हिडन लीफ गई हुई है तो मदद के लिए वो उन्हें वहाँ रिवर्स समन कर लेगी। नारुतो सेज मोड में बस 10 मिनट ही रह पाता है और पेन को हराने के लिए ये इनफ नहीं है। नारुतो तुरंत एक प्लान के साथ आता है। वो अपने 3 शैडो क्लोन्स को माउंट म्योबोकू में रहने देता है, जो नारुतो के बैकअप के लिए नेचर एनर्जी स्टोर करते हैं। रिवर्स समन होने के बाद नारुतो को अपने विलेज का हाल देखकर यकीन नहीं होता है। बिना वक्त गवाए नारुतो पेन से फाइट करना शुरू कर देता है। नारुतो सभी पेन्स की वीकनेस को पता करके सभी को एक एक करके 5 पेन्स को हरा देता है। नारुतो ये भी समझ जाता है कि रियल पेन कोई और है, जो कहीं और से इन सभी पेन्स को कंट्रोल कर रहा है। आखिरी बचा हुआ पेन नारुतो के हाथ और पैरों को चक्रा रॉड से ब्लॉक कर देता है और नारुतो से पूछता है कि शिनोबी वर्ल्ड में वो पीस कैसे लाएगा, जिसका जवाब नारुतो नहीं दे पाता है। हिनाता नारुतो को बचाने के लिए पेन से लड़ने के लिए आ जाती है, पर पेन बेरहमी के साथ नारुतो के सामने हिनाता को मार देता है। नारुतो ये देखकर ब्लैंक हो जाता है और नाइन टेल्स तुरंत नारुतो पर हावी हो जाता है और पेन पर हमला करने लगता है। नाइन टेल्स बिना वक्त गवाए नारुतो के नेकलेस को भी तोड़ देता है। पेन नारुतो को अपने प्लेनेटरी डेवेस्टेशन जुत्सु के अंदर रोक लेता है। नारुतो का सील बहुत कमजोर हो जाता है। नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स नारुतो को अपने बातों में उलझाकर नारुतो से सील खुलवाने की कोशिश करवाता है। तभी वहां फोर्थ होकागे आ जाते हैं और नारुतो को ऐसा करने से रोक लेते हैं। फोर्थ होकागे को देखकर नारुतो चौंक जाता है। नारुतो के ये जानने के बाद कि फोर्थ होकागे नारुतो के पिता है, नारुतो फोर्थ होकागे के पेट में एक मुक्का मार देता है और अपने पिता को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है। पेन के पूछे गए सवाल को नारुतो अपने पिता फोर्थ होकागे से पूछता है, जिसके जवाब में फोर्थ होकागे कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे भरोसा है कि तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे। डिसअपीयर होने से पहले फोर्थ होकागे नारुतो के सील को ठीक कर देते हैं। नारुतो सेज मोड में आखिरी बचे हुए फेक पेन से फाइट करता है और उसे कहता है कि उसे रियल पेन से बात करनी है, तो उसे उसके पास ले चलो। फेक पेन नारुतो को मना कर देता है। नारुतो फेक पेन के चक्रा रॉड से रियल पेन के लोकेशन का पता कर लेता है और उसे हराने के बाद वो रियल पेन के पास जाता है। रास्ते में नारुतो को शिकामारू के और इनो के डैड मिलते हैं, जो नारुतो को अकेले जाने से मना करते हैं। नारुतो उन्हें कहता है कि मुझ पे भरोसा करें और मुझे अकेले जाने दें। शिकाकू नारुतो की बात मान लेता है और नारुतो को अकेले जाने देता है। नारुतो रियल पेन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हारी कहानी जानने के बाद। नारुतो की बात मानकर पेन उसे जिराया और अपनी कहानी बताता है। नारुतो के जवाब में नागाटो कुछ ऐसी बात सुनता है जिसे उसे एहसास होता है कि वो भटक चुका था और वो गलत है। नारुतो नागाटो को जिराया के सबसे पहले लिखे किताब नागाटो के सामने दिखाता है, जिसके आखिरी पेज में जिराया ने नागाटो को शुक्रिया किया है। नागाटो नारुतो पर भरोसा करते हुए रिनरीबत जुत्सु से हिडन लीफ के सभी लोगों को वापस जिंदा कर देता है, जिन लोगों को उसने मार दिया था। नारुतो से फाइट करने के बाद नागाटो के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है, जिससे रिनरीबत जुत्सु के परफॉर्म करने के बाद नागाटो की डेथ हो जाती है। हिडन लीफ में हिनाता काकाशी और बाकी सभी मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। लेडी कासुयू, जिसका एक छोटा सा हिस्सा नारुतो के साथ हर वक्त था, वो सभी विलेज के लोगों को नारुतो के जीत के बारे में बताती है। नारुतो विलेज वापस आते हुए थक कर गिरने लगता है, पर तभी काकाशी वहां आकर नारुतो को अपनी पीठ पर लेके विलेज वापस जाता है, जहां सभी लोग नारुतो के साथ उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद नारुतो को एक नया नाम मिलता है, हीरो ऑफ द हिडन लीफ। सास्के अकात्सुकी के साथ ज्वाइन हो चुका है और अपनी टीम के साथ एट टेल्स के जिंजूरी की किलर बी को पकड़ने जाता है। किलर बी सास्के को ट्रिक करके बच जाता है, पर हिडन क्लाउड विलेज को लगता है कि सास्के ने किलर बी को किडनैप कर लिया है, जिसके बाद फोर्थ राइकागे सास्के को ढूंढ कर मारने का ऑर्डर देते हैं। किलर बी के दो स्टूडेंट्स ओमोई और कारुई हिडन लीफ पहुंचते हैं सास्के के बारे में पता करने के लिए। वो नारुतो और उसके दोस्तों को
सास्के के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जिसके बाद वो नारुतो से सास्के का पता पूछते हैं। नारुतो उनसे इसकी वजह पूछता है। ये जानने के बाद कि सास्के अकात्सुकी के साथ ज्वाइन हो चुका है और उसने किलर बी को किडनैप कर लिया है, नारुतो ओमोई और कारुई से कहता है कि वो सास्के को ना मारे। नारुतो सास्के के लिए ओमोई और कारुई से मार भी खाता है ताकि उन दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए। ओमोई और कारुई नारुतो को बताते हैं कि फोर्थ राइकागे बहुत गुस्से में है और वो सास्के को जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। नारुतो काकाशी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे होकागे मीट में जाने दे ताकि वो फोर्थ राइकागे से सास्के को ना मारने की रिक्वेस्ट कर सके। नारुतो फोर्थ राइकागे से होकागे मीट से पहले रास्ते में अपने घुटनों के बल झुककर रिक्वेस्ट करता है कि सास्के उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे प्लीज माफ कर दे। फोर्थ राइकागे नारुतो के इस एक्ट को बचकाना कहकर नारुतो के इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देता है। रात हो जाने के कारण नारुतो, यामातो और काकाशी वहीं एक छोटा सा रूम रेंट पर लेके रात बिताते हैं, जहां तोबी नारुतो के पास आकर नारुतो को इताची के सच्चाई के बारे में बताता है और सास्के के प्लान के बारे में बताता है कि वो डांजो को मारने के लिए फाइव कागे समिट में जाने वाला है। दूसरी ओर साकुरा ये डिसाइड करती है वो सास्के को मारने के लिए फाइव कागे समिट जाएगी। साय काकाशी नारुतो और यामातो को साकुरा के इस प्लान के बारे में बताता है और साकुरा के प्रपोजल को सुनकर नारुतो समझ जाता है कि साकुरा उससे झूठ कह रही है। साकुरा नारुतो को एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद नारुतो काफी ज्यादा टेंस हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। काकाशी यामातो को कहता है कि वो नारुतो को लेकर वापस विलेज जाए और काकाशी साकुरा को रोकने जाता है। साकुरा सास्के के पास पहुंचती है और वो उसे कहती है कि वो उसके साथ उसके जर्नी में साथ देना चाहती है। सास्के उसे कहता है कि वो उसके लिए किरिन को मार दे, जो वो नहीं कर पाती है। सास्के साकुरा पर अटैक करता है, पर तभी वहां काकाशी आकर साकुरा को बचा लेता है। काकाशी और साकुरा सास्के से फाइट करने लगते हैं। साकुरा सास्के पर अटैक करती है पर वो उसे मार नहीं पाती है, पर सास्के उससे कुनाई नाइफ लेकर उसी पर हमला करता है, पर नारुतो वहां आकर साकुरा को बचा लेता है। तभी तोबी वहां आकर सास्के को अपने साथ ले जाता है। फाइव कागे समिट में तोबी खुद को मादारा बताता है और सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे वो इस शिनोबी वर्ल्ड में पीस कायम करना चाहता है, जिसका सभी अपोज करते हैं। एट टेल्स और नाइन टेल्स के लिए मादारा, जो कि तोबी है, वो सभी शिनोबी नेशंस पर वॉर डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद सभी कागे एलाइड शिनोबी फोर्सेस बनाते हैं, जिसका हेड फोर्थ राइकागे को बनाया जाता है। गारा इसके बारे में काकाशी हटाके को बताता है। लेडी सुनाडे पेन के अटैक के बाद कोमा में चली जाती है। होश आने के बाद उसे वॉर के बारे में पता चलता है। नारुतो और किलर बी को बचाने के लिए वो लोग उन्हें हिडन क्लाउड विलेज के एक सीक्रेट आइलैंड पर भेज देते हैं। नारुतो, यामातो, माइट गाय और इरुका सेंसे के साथ हिडन क्लाउड विलेज के सीक्रेट आइलैंड पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात किलर बी से होती है। नारुतो किलर बी से ट्रेनिंग लेता है नाइन टेल्स की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसके लिए नारुतो को पहले खुद के अंदर की नफरत को ओवरकम करना होता है, जिसमें वो सक्सेसफुल रहता है। जिसके बाद नारुतो को कुरमा से फाइट करनी होती है। नारुतो अपने सील को अनलॉक करता है और कुरमा बिना देर किए नारुतो पर हमला करता है। नारुतो अपने ढेर सारे शैडो क्लोन की मदद से कुरमा को नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो नाइन टेल्स के चक्रा को अपने तरफ लाता है, पर नाइन टेल्स नारुतो पर हावी होने लगता है। तभी नारुतो की हेल्प करने कुशीना वहां आती है। कुशीना नारुतो को उसके जन्म के वक्त की घटना के बारे में नारुतो को बताती है। कुशीना नारुतो को बताती है कि एक नकाब पहने आदमी को रोकने के लिए उन लोगों ने नारुतो को नाइन टेल्स का जिंजूरी की बनाया, ताकि वो फ्यूचर में नाइन टेल्स की पावर का यूज करके उस आदमी को रोक सके। कुशीना अपने चक्रा चेन से नाइन टेल्स को रोके रखती है और नारुतो नाइन टेल्स के चक्रा को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद नाइन टेल्स थोड़ा पतला हो जाता है। नारुतो नाइन टेल्स को वापस सील कर देता है और नाइन टेल्स के चक्रा की वजह से नारुतो को नए पावर्स और नया फॉर्म मिल जाता है। नारुतो के चक्रा से नाइन टेल्स खुद को ठीक कर लेता है। मादारा, जो कि तोबी है, अपने लाखों वाइज जेसु के फौज के साथ वॉर शुरू करता है। काबुतो मादारा को अपने रीएनिमेटेड शिनोबी फोर्स की हेल्प देता है। नारुतो को वॉर के बारे में पता चलता है और वो वॉर में लड़ने के लिए और सबकी मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है। इरुका नारुतो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर नारुतो जिद करके आगे जाने लगता है। नारुतो को अपने हेडबैंड में एक छोटा सा लेटर मिलता है, जिसे इरुका सेंसे ने उसके लिए लिखा है, जिसमें वो नारुतो को कह रहे हैं कि जीत कर सेफ वापस आना। नारुतो के साथ किलर बी वॉर में जाने के लिए नारुतो का साथ आ जाता है। नाइन टेल्स नारुतो से बात करता है और उसे कहता है कि तुम इस वॉर को रोक नहीं पाओगे और सास्के को भी बचा नहीं पाओगे, तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो। नारुतो कॉन्फिडेंस के साथ नाइन टेल्स को कहता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। जाते जाते नारुतो नाइन टेल्स से ये भी कहता है कि वॉर के बाद वो उसके अंदर के नफरत को खत्म करने के लिए भी वापस आएगा। नारुतो और किलर बी को रोकने के लिए फोर्थ राइकागे और सुनाडे आते हैं। राइकागे किलर बी और नारुतो को वापस लौटने कहते हैं, पर दोनों राइकागे की बात को मना कर देते हैं। राइकागे नारुतो और किलर बी का टेस्ट लेते
हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को आगे जाने देते हैं। नारुतो अपने सेंसरी एबिलिटी से व्हाइट जेत्सु के चक्रा को सेंस करता है और अपने शैडो क्लोन को हर यूनिट्स में भेज देता है। रास्ते में नारुतो और किलर बी को रीएनिमेटेड इताची और नागाटो मिलते हैं। नारुतो से ये जानने के बाद कि सासुके अकात्सुकी ज्वाइन कर चुका है और हिडन लीफ पर हमला करने वाला है, इताची नारुतो के अंदर अपने दिए हुए पावर्स को ले लेता है जो उसने नारुतो को दी थी ताकि वो सासुके को सही रास्ते पर ला सके और खुद को रीएनिमेशन जुत्सु के कंट्रोल से फ्री कर लेता है। इताची अपने सुजाने के तुसोकु ब्लेड से नागाटो के सोल को रीएनिमेशन जुत्सु से आजाद करवा देता है, जिसके बाद इताची नारुतो और किलर बी से मादारा को रोकने कहता है ताकि वो रीएनिमेशन जुत्सु को बंद कर सके। नारुतो और किलर बी का सामना मादारा और बाकी सभी जिनजुरीकी से होती है। लड़ाई के दौरान फोर टेल्स नारुतो को खा जाता है। नारुतो फोर टेल्स की हेल्प करने की और उससे दोस्ती करने की इच्छा जाहिर करता है। फोर टेल्स अपना नाम सोन गोकू बताते हुए नारुतो की हेल्प करने की बात को सुनकर हंसने लगता है, क्योंकि इससे पहले किसी इंसान ने टेल्ड बीस्ट के साथ दोस्त बनने की बात नहीं कही होती है। सोन गोकू नारुतो को नाइन टेल्स का नाम बताता है कुरमा। कुरमा नारुतो और सोन गोकू की बातों को सुन रहा होता है। सोन गोकू को नारुतो की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो नारुतो को बताता है कि मादारा ने सभी टेल्ड बीस्ट को चक्रा रॉड से कंट्रोल कर रहा है। नारुतो सोन गोकू के अंदर से बाहर आता है और सोन गोकू के गले पर लगे चक्रा रॉड को निकालने लग जाता है और ऐसा करने के लिए नारुतो अपने एक शैडो क्लोन को गोकू के अंदर रखता है जो रॉड को अंदर से बाहर ढकेलता है और वो दोनों मिलकर चक्रा रॉड को निकाल देते हैं, जिससे सोन गोकू फ्री हो जाता है। नारुतो से इंप्रेस होकर सोन गोकू नारुतो के साथ अपना चक्रा शेयर करता है। नारुतो की तारीफ कुरमा भी करता है। मादारा के समनिंग को रियलाइज करने के बाद कुरमा नारुतो को कहता है कि वो मादारा के हाथों यूज होना नहीं चाहता, बल्कि वो नारुतो के साथ मिलकर मादारा को रोकना और वॉर को खत्म करना ज्यादा पसंद करेगा। नारुतो कुरमा को सील से अनलॉक करता है और क्यूबी चक्रा मोड 2 को ऑन करता है। सभी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को काउंटर करते हुए नारुतो काकाशी और माइट गाय को बचा लेता है। नारुतो और कुरमा अपना फर्स्ट टेल्ड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कुरमा नारुतो को बताता है कि वो इस फॉर्म में सिर्फ 5 मिनट तक ही रह पाएंगे। नारुतो बोलता है इतना वक्त काफी है और वो सभी टेल्ड बीस्ट के चक्रा रॉड को निकालने में लग जाते हैं। मादारा सभी टेल्ड बीस्ट को गेडो स्टैचू के अंदर खींचने लगता है। अंदर जाने से पहले सभी टेल्ड बीस्ट सीक्रेट लिंक पर नारुतो और कुरमा से मिलते हैं, जहां नारुतो से सभी टेल्ड बीस्ट अपना चक्रा शेयर करते हैं। तब कुरमा सभी टेल्ड बीस्ट से कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता सेज ऑफ सिक्स पाथ ने जिसके बारे में कहा था वो नारुतो है? कुरमा के इस बात से सभी टेल्ड बीस्ट सहमत होते हैं। नकाब पहने मादारा से लड़ते हुए काकाशी को पता चलता है कि उसका टेलीपोर्टेशन जुत्सु और काकाशी के कामुई का स्पेस एंड टाइम दोनों लिंक है। नकाब पहने मादारा को पता चले दिए बिना काकाशी नारुतो को अपने कामुई डायमेंशन में भेज देता है और नारुतो के अटैक से बचते हुए मादारा खुद को कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है, पर काकाशी ने नारुतो को वहां पहले ही टेलीपोर्ट कर रखा था, जिससे नारुतो अपने रसेंगन से मादारा के मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसका चेहरा देखकर माइट गाय और काकाशी दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो मादारा नहीं उनके बचपन का दोस्त ओबितो उचिया रहता है, जिसके बाद वहाँ रियल मादारा उचिया भी आ जाता है। मादारा और ओबितो टेन टेल्स की बॉडी को रिवाइव करते हैं। कुरमा और ग्यूकी के कोई अटैक्स टेन टेल्स पर काम नहीं करते हैं। सभी यूनिट्स नारुतो काकाशी माइट गाय की हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। सभी यूनिट्स मिलकर टेन टेल्स को मोबिलाइज करने का ट्राई करते हैं पर फेल हो जाते हैं। ओबितो के अटैक से नारुतो को बचाते हुए नेजी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। ओबितो नारुतो के बात का मजाक बनाते हुए कि वो अपने किसी दोस्त को भी मरने नहीं देगा नारुतो को गिव अप करने कहता है, लेकिन हिनाटा नारुतो को अपने बातों से कॉन्फिडेंस देती है। नारुतो क्यूबी चक्रा मोड 2 में आता है और अपने शैडो क्लोन से सभी शिनोबी फ्रेंड के साथ कुरमा के चक्रा को शेयर करता है, जिससे सभी के बॉडी के ऊपर 9 टेल्स चक्रा क्लोक बन जाता है। वॉर में रीएनिमेटेड हाशिरामा, तोबीरामा, हिरुजेन एंड मिनातो भी आता है। मिनातो के पास कुरमा का अदर हाफ सील होता है। वो लोग टेन टेल्स को एक बैरियर के अंदर बंद कर देते हैं। टेन टेल्स अपनी छोटी छोटी बॉडीज बनाता है जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। नारुतो, सास्के और साकुरा अपने समनिंग करते हुए टेन टेल्स को रोकने आगे बढ़ते हैं। ओबितो टेन टेल्स का जिंजूरी की बन जाता है, जिसके बाद उसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ओबितो पर कोई भी अटैक काम नहीं करता है, पर गामाकिची के अटैक को देखने के बाद नारुतो समझ जाता है कि सेज मोड के अटैक्स ओबितो के अगेंस्ट काम करेंगे। नारुतो के सेज मोड में रसेंगन से मार खाने के बाद ओबितो बिना देरी किए डिवाइन ट्री को समन करता है और टेल बीस बॉम्ब से हमला करता है। इस हमले से कोई बच ना सके, इसके लिए ओबितो सभी शिनोबीस को एक बैरियर से घेर देता है ताकि कोई भाग ना सके। नारुतो तुरंत एक प्लान के साथ आता है और वो सभी शिनोबीस को कुरमा के चक्रा से कवर कर लेता है, जिससे मिनाटो के लिए सभी को टेलीपोर्ट करना आसान हो जाता है और वो टेल बीस बॉम्ब के फटने से पहले सभी शिनोबी को बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। नारुतो अपने दोस्तों की मदद से ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस
को बाहर निकाल लेता है। ओबितो अपनी गलतियों को मानते हुए सभी मरे हुए शिनोबीस को वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक जेसू उस पर कंट्रोल करके रिने रिबा जुत्सु से मदारा उचिहा को जिंदा कर देता है। मदारा अपने दर्द को एंजॉय करते हुए सभी टेल्ड बीस्ट को गेडो स्टैचू में खींच लेता है और टेन टेल्स का जिंजूरी की बन जाता है। यंग कुरमा जो कि नारुतो के अंदर रहता है, एब्जॉर्ब होने से पहले वो गारा को बताता है कि नारुतो को फोर्थ होकागे के पास ले जाओ, जिसके पास कुरमा का अदर हाफ है, ताकि वो उसे नारुतो के अंदर सील कर सके और नारुतो को बचा सके। गारा और साकुरा नारुतो की जान बचाते हुए मिनातो के पास पहुंचते हैं। मिनातो कुरमा को सील करने जाता है, तभी ब्लैक जेसू बीच में आ जाता है और यन कुरमा उसके अंदर सील हो जाता है। ओबितो साकुरा और नारुतो को कामोई डायमेंशन में भेज देता है और ब्लैक जेसू के साथ वहां पहुंचता है। ब्लैक जेसू ओबितो को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, पर ओबितो किसी तरह से कुरमा के अदर हाफ को नारुतो के अंदर सील कर देता है। दूसरी तरफ सास्के मदारा के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद नारुतो और सास्के दोनों को सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो ओतसुत्सुकी अपने दोनों बेटे इंद्रा और अशुरा के बारे में बताते हुए नारुतो को अशुरा का रीइंकार्नेशन और सास्के को इंद्रा का रीइंकार्नेशन बताता है, जिसके बाद वो नारुतो और सास्के के साथ अपनी पावर्स शेयर करता है, जिससे सास्के की एक आंख रिनेगान में बदल जाती है और नारुतो को सेज ऑफ सिक्स पाथ मोड मिलता है। कामुई डायमेंशन से बाहर आने के बाद नारुतो माइट गाय को मरने से बचा लेता है, क्योंकि माइट गाय अपने एट गेट को ओपन करता है मदारा को रोकने के लिए। नारुतो अब सभी टेल्ड बीस्ट के चक्रा को यूज कर सकता है। सन गोकू के चक्रा से वो लावा रसेन शुरिकन बनाता है और डिवाइन ट्री को काट देता है। मदारा डिवाइन ट्री को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो काकाशी के शारिंगन को उससे छीन लेता है और उसे यूज करके कामुई डायमेंशन में चला जाता है, जहां ओबितो साकुरा से उसका रिनेगान डिस्ट्रॉय करने कहता है, ताकि मदारा इसे यूज ना कर सके। लेकिन साकुरा ऐसा नहीं कर पाती है। मदारा के वहां आते ही ओबितो साकुरा को वापस भेज देता है। मदारा ओबितो से उसके रिनेगान को ले लेता है। मदारा और ओबितो ब्लैक जेसू के साथ कामुई डायमेंशन से बाहर आते हैं। मदारा ढेर सारे प्लेनेटरी डेवेस्टेशन से सास्के और नारुतो को उलझाए रखता है और मदारा रिने शारिंगन को एक्टिवेट करके सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी जुत्सु में डाल देता है, जिससे सभी लोग सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। सास्के अपने सुजानो से नारुतो साकुरा काकाशी और ओबितो को इन्फिनिट सुकुयोमी से बचा लेता है। मदारा नारुतो सास्के काकाशी साकुरा और ओबितो को बता ही रहा होता है कि उसने शिनोबी वर्ल्ड को वॉर से बचा लिया, तभी ब्लैक जेसू मदारा पर पीछे से अटैक कर देता है और मदारा को बताता है कि उसने उसे कागुया को रिवाइव करने के लिए यूज किया है, ताकि वो मदारा को कागुया का वेसल बना सके। कागुया को सामने देखकर उसके प्रेजेंस से कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। कागुया सभी को दूसरे डायमेंशन में ले जाती है, जहां चारों तरफ लावा होता है। सास्के और नारुतो के अटैक से खुद को बचाते हुए फिर से दूसरे डायमेंशन में वो सभी को ले जाती है, जहां सास्के और नारुतो फ्रीज हो जाते हैं। कागुया सास्के को एक डेजर्ट वाले डायमेंशन में भेज देती है, ताकि वो नारुतो को बिना रुकावट हरा पाए, पर नारुतो कागुया को फाइट में दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए पोर्टल ओपन करने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे नारुतो साकुरा और ओबितो उस डायमेंशन के पोर्टल में अंदर चले जाते हैं। दूसरे डायमेंशन में पहुंचते ही कागुया नारुतो के शैडो क्लोन को मार देती है असली समझकर, और सोचती है कि आइस वाले डायमेंशन में सभी क्लोन्स डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन वापस आइस वाले डायमेंशन में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं देखती है। नारुतो कागुया को फाइट में उलझाए रखता है। इस बीच साकुरा और ओबितो काफी मुश्किल से सास्के को वापस ले आते हैं। कागुया इस लड़ाई को खत्म करने के लिए सभी को एक ऐसे डायमेंशन में ले जाती है, जहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जो कागुया पर भी इफेक्ट करता है। कागुया के पहले अटैक को नारुतो और सास्के डॉज कर देते हैं, पर उसके तुरंत बाद ही कागुया अपना दूसरा अटैक कर देती है। नारुतो और सास्के को बचाने के लिए काकाशी और ओबितो उन दोनों के आगे आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। ओबितो अपने कामुई से काकाशी को भी मरने से बचा लेता है। कागुया फिर से डायमेंशन चेंज कर देती है। नारुतो ओबितो को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर ओबितो का शरीर टूटने लग जाता है। सास्के अकेले ही कागुया से लड़ने लग जाता है। नारुतो गुस्से में कागुया पर हमला करता है और उसके लेफ्ट आर्म को काट देता है और ब्लैक जेसू को अपने ट्रू सीकर ऑप से ब्लॉक कर देता है। नारुतो और सास्के की हेल्प करने के लिए काकाशी अपने सुजानो को एक्टिवेट करता है, जो कि उसे एक लास्ट गिफ्ट की तरह ओबितो से मिलता है। काकाशी के प्लान के साथ नारुतो और सास्के कागुया को सील करने के लिए आगे बढ़ते हैं। काकाशी साकुरा को कामुई से कागुया के पीछे भेज देता है। साकुरा नारुतो और सास्के कागुया को सील करने में कामयाब होते हैं, जिसके बाद हागोरोमो सभी टेल्ड बीस्ट नारुतो साकुरा सास्के काकाशी को वापस अपने पास समन कर लेते हैं। नारुतो यंग कुरमा को देखकर काफी खुश हो जाता है। कुरमा अपनी खुशी ना दिखा पाने के कारण एम्बैरस होने लगता है। नारुतो अपने पिता को आखिरी गुड बाय करता है। हागोरोमो
कुरोमा से नारुतो के अंदर ही रहने को कहता है ताकि वो लोग नारुतो के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट में रह सके। सास्के सभी टेल्ड बीस्ट को गेंजुत्सु में डालकर सभी को प्लेनेटरी डेविस्टेशन में कैप्चर कर लेता है। नारुतो हागोरोमो से कहता है कि वो सास्के को रोक लेगा, जिसके बाद वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सास्के के बीच एक फाइनल बैटल होती है। नारुतो सास्के को बस रोकने के लिए उससे लड़ता है, इसीलिए वो सास्के के अटैक्स को सिर्फ डॉज करता है। सास्के सभी टेल्ड बीस्ट के चक्रा से इंद्रा सुजानो को एक्टिवेट करता है और अपने इंद्रा एरो से, जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक होता है, नारुतो की तरफ छोड़ता है। नारुतो कुरोमा के शैडो क्लोन से नेचर एनर्जी स्टोर करवाता है और अटैक से पहले वो आशुरा मोड से सास्के के इंद्रा एरो को रोक लेता है। इसके बाद दोनों के पास ज्यादा चक्रा नहीं बचता है। फाइट करते करते दोनों बहुत थक जाते हैं। सुबह से शाम होने लगती है, लेकिन दोनों में से कोई रुकने के बारे में सोचता भी नहीं है। कुरोमा नारुतो के लिए चक्रा स्टोर करता है, पर सास्के कुरोमा से चक्रा चुरा लेता है और अपने चिदोरी से नारुतो पर हमला करता है। नारुतो पर हमला करने से पहले सास्के नारुतो से कहता है कि वो उसका वन एंड ओनली फ्रेंड है। ये सुनकर नारुतो उसके अटैक को काउंटर करते हुए सास्के के मुंह पर एक पंच मारता है। नारुतो के इस काउंटर की तारीफ करते हुए कुरोमा नारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें अपने बचे हुए चक्रा को दे देता हूँ, जिसके बाद मैं गहरी नींद में चला जाऊंगा। तुम इसे अच्छे से इस्तेमाल करना ताकि सास्के इसे तुमसे चुरा ना सके। इतने में कुरोमा नारुतो की तरफ देखता है और चुप होकर नारुतो को चक्रा दे देता है। नारुतो अपने रसेंगन के साथ और सास्के अपने चिदोरी के साथ एक दूसरे की तरफ उछलते हैं। नारुतो सास्के को रोक लेता है। सास्के का लेफ्ट हाथ और नारुतो का राइट हैंड रसेंगन और चिदोरी के टकराने की वजह से आधे आधे खत्म हो जाते हैं। सास्के और नारुतो को होश आता है। दोनों अपने बचपन की बात करते हैं। सास्के अपनी हार मानते हुए नारुतो की तारीफ करता है। अगले दिन साकुरा और काकाशी को सास्के और नारुतो मिलते हैं। साकुरा अपने मेडिकल निंजुत्सु से नारुतो और सास्के को ठीक करने लगती है। सास्के साकुरा से माफी मांगता है। साकुरा सास्के को माफ कर देती है। सास्के और नारुतो सभी लोगों को इन्फिनिट सुकुयमी से फ्री कर देता है और इसी के साथ वॉर खत्म होती है। काकाशी को सिक्स होकागे बनाया जाता है। काकाशी नारुतो से उसे उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने को कहता है, क्योंकि नारुतो अब भी एक गेनिन है और एक होकागे बनने के लिए उससे पहले जोनिन बनना होगा। सास्के को अपनी जर्नी में जाने से पहले नारुतो उसे उसका हेडबैंड वापस दे देता है। नारुतो मूवी द लास्ट में नारुतो हिनाता को तोनोरी से बचाते हुए अपना लव कन्फेस करता है, जिसके बाद वो हिनाता से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नारुतो की, नारुतो और नारुतो शिफुडान से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।